أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. हमारा सवाल है कि हम जिन्हें अच्छा काम करने के लिए कहते हैं तो वो हमारी बात नहीं मानते हैं। हमने बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं मानते हैं। जितनी हत्ता कि वो कहते हैं कि हम शैतान का साथ देने के लिए आए हैं, अब हमें किस तरह समझाएं, अब उन्हें किस तरह। जज़ाकअल्लाह खैर। बहरहाल याद रखिए, अब सबसे पहली चीज तो ये कि आपका काम है समझाना, आप समझाते रहिए, ठीक। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि हम शैतान की बात मानना है तो ये तो बहुत खबी, बहुत बुरे ख्वाल उसने अपने मुंह से निकाले। हम यहाँ खालिस जिस मकसद के लिए आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको सूरह ज़ारियात आयत में 51 फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन और इंसान खालिस अपनी इबादत के लिए पैदा किया। शैतान की बात मानने, उसकी फरमानबरदारी करने, उसका कहना मानने के लिए हम नहीं आए दुनिया में। तो आप उन्हें अच्छे से समझाइए, कुरान हदीस की तालीमात दीजिए, और जिस आलिम या जिस शख्स को वो बड़ा समझते हैं उनसे रुजू करिए, वरना आपकी बात तो आप नहीं सुन रहे हो, उनसे रुजू कीजिए। घर के सरपरस्त और बड़ों को जो है आप बताइए कि ऐसा कर रहे हैं और ऐसा बोल रहे हैं, ताकि वो करे। और अगर मजाक से वो ये बोलते होंगे तो जाने दीजिए, लेकिन मजाक से भी ऐसी बात कहना दुरुस्त नहीं होंगे, ठीक है। तो आप इसलाह करने की कोशिश कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए और जितना आपसे होता कीजिए, उसके बाद आपके सरपरस्तों से बात कीजिए कि ऐसा कह रहे हैं, उसके बाद और भी लोग, चूंकि पब्लिक प्रेशर, सोसाइटी का जब प्रेशर आता था, आदमी बहुत से काम करने लग जाता है, आप बताइए। लेकिन बहरहाल उसके बाद भी अगर ना माने तो आप उनकी इस्लाह करने की कोशिश करते रहिए, और इंशाअल्लाह अजीज हो सकता है आज किसी वो खुमार में, किसी जज्बे में ये बात कह रहे हो, कल इंशाअल्लाह उन्हें जो हिदायत दे, हम भी दुआ करेंगे कि अल्लाह जो है हिदायत दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।